मैं हूं अफसा गुलाम दस्तगीर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम सुर्खियों पर। लेबर कॉलोनी क्वार्टर्स का तनाजा हुआ संगीन, इंतजामिया की नोटिस पर भड़क उठे साकिनीन। नोटिस बोर्ड की तोड़फोड़, आर पार की लड़ाई का किया अज़्म। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा, साकिनीन का दावा बेबुनियाद, वक्त पर होगी कार्रवाई। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी में करें एहतियात, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने की शहरियान से अपील। त्रिपुरा हुकूमत को बर्खास्त किया जाए, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल और लोक विकास परिषद ने किया मुतालिबा। और गुंटेवारी के लिए हुकूमत जारी करे वाइट पेपर, कांग्रेस ने किया मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। एन दिवाली के मौके पर एक बार फिर लेबर कॉलोनी क्वार्टर्स का तनाज़ा संगीन रुख इख्तियार करता नज़र आ रहा है। ज़िला इंतजामिया ने आधी रात को क्वार्टर्स खाली करने का नोटिस लगाया। जवाब में क्वार्टर्स के मुश्तइल साकिनीन भी अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। आज दिन भर यहाँ माहौल कशीदा रहा। इस दौरान यहाँ की खवातीन ने नोटिसों के बोर्ड फाड़ कर अपने अज़ायम का इजहार किया। लेबर कॉलोनी के क्वार्टर्स का तनाज़ा कई बरसों से जारी है। ज़िला इंतजामिया ने कई बार क्वार्टर्स खाली कराने की कोशिश की, लेकिन अदालती मुकदमाबाजी और सियासी मुदाखलत की वजह से उन्हें नाकामी हाथ लगी। गुज़िश्ता रात ज़िला इंतजामिया और म्यूनसिपल इंतजामिया के आला अफसरान पुलिस के जवानों के साथ लेबर कॉलोनी में दाखिल हुए। यहां कई जगहों पर उन्होंने क्वार्टर्स खाली करने के लिए रास्तों पर बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगा दिए। सुबह जैसे ही लोग घरों से बाहर निकले, उनकी नज़र इस पर पड़ी। कॉलोनी में यह खबर तेज़ी से फैल गई। इंतजामिया ने क्वार्टर्स में रहने वालों को 8 नवंबर तक क्वार्टर्स खाली करने की हिदायत की। आज सुबह से ही लेबर कॉलोनी के सैकड़ों मर्द और ख़वातीन घरों से बाहर निकल आए। यहाँ के मंदिर में जमा होकर उन्होंने आपस में मशवरा किया। शहर की तकरीबन सियासी जमातों के लीडरों से रब्त कायम किया गया। इंतजामिया की नोटिस से कॉलोनी के साकिनीन में ज़बरदस्त गुस्सा नज़र आ रहा है। दोपहर बाद कुछ नाराज खवातीन ने नोटिस बोर्डों को डंडों से तोड़कर फेंक दिया। कि हमारा त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार आज मुंह पे, और उसके बीच में इन्हें दो दिन पहले, चार दिन पहले त्यौहार के पहले वहाँ फलक लगा रहे, और वो फलक भी चोरों के जैसा 12 बजे। अरे आप तो अधिकार है ना, आपके पास गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है, लीगल है तुम्हारा, फिर रात में 12 बजे क्यों फौज फाटे के साथ आए आप? और ये अत्याचार करके अभी ये हर औरत में, एक दुर्गा बस्ती, एक झांसी बस्ती, अब उनको ये देखेंगे, दिखाएंगे अब हम कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हमारी चुप्पी को उनकी ताकत मत समझिए, हम यही बोलना चाहते हैं। जहाँ तक होगा, जितना होगा, हम ये लड़ेंगे। इसके लिए संजय जी केनेकर साहब, इम्तियाज जलील साहब, आमदार प्रदीप जी जायसवाल साहब, इनका सबका पाठिमा हमको है, इनका सबका सपोर्ट है। हम इनके बलबूते और हमारी एक ही के बलबूते, यहाँ हम सिर्फ सब भाई बंदे, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, हम सब एकजुट है, एकमुट है, एकमुट का वार उनको बताएंगे। ये जब इनका फौज फाटा ला रहे आज, अब हमको यहाँ से उनको हम हमारी ताकत बताएंगे कि लेबर कॉलोनी वाले क्या है। एडीएन से बात करते हुए साकिनी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इनका कहना है कि रियासत के 15 शहरों में लेबर कॉलोनी के मालिकाना हुकूक दिए जा चुके हैं, सिर्फ औरंगाबाद में नाइंसाफी की जा रही है। झूठे हल्फनामे के जरिए अदालत को भी गुमराह किया गया, अब वो किसी कीमत पर क्वार्टर्स नहीं छोड़ेंगे। ये नोटिस जो है इलीगल है, समझे, यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ और ऐसी कोई इमारत यहाँ नहीं है जो धोखादायक हो, क्योंकि हम लोग रहते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। इससे पुरानी पुरानी इमारतें हैं जो आज मेंटेन है, उसको गिराने की कोई नोटिस इश्यू नहीं हुई आज तक, फिर इसको गिराने का क्या मकसद है? तो ये नोटिस इलीगल है, और जो सर्वे हुआ वो सर्वे भी सही नहीं है, कहीं आए नहीं, गए नहीं, बस बैठ कर लिख लिए अपने दिल से, समझे। तो हमारा ये बोलना है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा समझती है कि भाई ये लेबर कॉलोनी धोखादायक है, गिरने वाली है,
तो वो फिर से सर्वे कराए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। समझे, त्यौहार का वो कहते हैं दिवाली है, आज हर घर में कोई ना कुछ ना कुछ बनाने वाले, लेकिन आप देख रही है पूरी जनता यहाँ बैठी भी पूरे दुख में, पूरे दुख में है, किसी को भी दिवाली का कोई ये नहीं है, सब अपने अपना देख रहे हैं कि क्या होगा अपना। काल जे त्यांनी रात्रि येऊन जे जाहीर प्रकटन लावले आणि त्या मुद्द्यामध्ये असे लिहिले आहेत की हे घर जे आहे की स्ट्रक्चर जे खराब होणे म्हणजे पडायला आलेले जे आले तर ते माझं म्हणणं आहे की त्यांनी घर बघाव, हे कुठं गळत नाही, आमचे सगळे घर चांगले आणि अनलगेल पद्धतीने ते म्हणतात हे लोक राहतात इथं काही घुसखोरे, हे त्यांनी आमच्या जे आमची आई इथं सर्व्हिसला होत्या, आता जे 2017 रिटायर झाल्या त्यांनी आयुष्यभर शासनाला जे हे दिलं सर्विस दिली आणि त्याच्यानंतर त्यांना ते बाहेर काढतंय, आता मी बेरोजगार आहे आणि याच्यानंतर आम्हाला आता सण आहे, दिवाळीचा सण आहे आणि दिवाळीच्या सणामध्ये आम्हाला बाहेर काढून रोडावर हे करताय, तर ते हे चुकीचं आहे आणि प्रशासनानं कुठेतरी आमचे बाजू घेऊन काहीतरी याचं हे न्याय करावं हीच आमचं हे। इस वाकई की खबर मिलते ही एडीएन के डायरेक्टर अयूब खान ने कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े से बात की। कल्याण काड़े ने इस मामले में रियासती वजीर अशोक चौहान से बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले में लेबर कॉलोनी के साकिनीन को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी जद्दोजहद की जाएगी। इसी तरह आज यहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान भी पहुंचे। बीजेपी के शहर सदर संजय केनकर ने कहा कि जिला इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ स्टे हासिल करने की कोशिश की जाएगी। कोर्टात खोटे कागज दस्तावेज ये पुरवणारे अधिकारी यांना खरतर आज टाकले गेले पाहिजे। ते आज रिटायर जरी झाले तरी कोर्टाची दिशाभूल केली आणि कोर्टाच्या दिशाभूलमुळे या जनतेची दिशाभूल झालेली आहे। जनता बेघर होते, हे बेघर होता कामा नये। आमची मागणी आहे की जे कलेक्टर जिल्हाधिकारी निवास 5 एकरमध्ये वसलेले, जे विभागीय आयुक्त 7 एकरमध्ये वसलेले, त्याच्यापेक्षा हे 2-2.5 लोक 1 एकरमध्ये वसू शकतात। मग ही भूमिका घेता येत नाही सरकारला। या भूमिकेसाठी आम्ही ठाम आहे की 1 एकर लेबर कॉलनीवाल्यांच्या नावावर होईपर्यंत ही कॉलनी हलू देणार नाही। इस दरमियान आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लेबर कॉलोनी के साकिनीन का दावा सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट तक फैसला इनके खिलाफ आया है। हाल ही में जिला अदालत ने भी इनके खिलाफ फैसला दिया। इसके अलावा उन्होंने बीपीएमसी एक्ट का हवाला देकर कदीम इमारतों को मुनहदिम करने के कानून पर अमल करने की बात कही। उनका कहना है कि कॉलोनी के साकिनीन का दावा गलत है, इंतजामिया इन मख्तूश हो चुके घरों को तयशुदा वक्त पर मुनहदिम करेगी। ये कार्रवाई खुद क्वार्टर्स में रहने वालों की जान बचाने के लिए जरूरी है। दिवाली के त्योहार में आतिशबाजी के लिए हुकूमत ने रहनुमा हिदायत जारी की है। शहरियान खुशियां मनाते वक्त इन हिदायत पर पूरी तरह अमल करें। ये अपील आज पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने की। सर्वांना माहितच असेल की प्रत्येक वर्षी दिवाळी आल्यावर सर्व जण लहान मुलं मोठे लोक फटाके वाजवतात। अनेक वर्षापासून फटाके वाजवतात, तर दिवाळीला फटाके वाजवण्याची प्रथा आहे। यामध्ये माननीय सुप्रीम कोर्ट आणि नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल यांनी अनेक निर्णय दिलेले आहेत आणि आता 1-2 दिवसापूर्वी परत एकदा याबद्दलचे निर्देश आलेले आहेत की याआधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल यांनी फटाक्यांबद्दल
जे काही निर्बंध घातले किंवा सूचना दिल्या आहेत त्या सूचनांचं पालन होणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून नागरिकांना विशेषतः फटाके घेताना कुठले फटाके घ्यावे कुठले घेऊ नये याची माहिती असावी यासाठी आजची पत्रकार परिषद घेण्यात येत आहे. सर्वात पहिले सुप्रीम कोर्टाने माननीय सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे की फटाक्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होतो आणि त्यामुळे त्यांनी इम्प्रूव्ह क्रॅकर्स म्हणजे सुधारित आणि ग्रीन क्रॅकर्स असे दोन प्रकारचे फटाके जे मॅन्युफॅक्चरिंग लेवलला शक्य आहे आपल्याला ते माहिती नाही नेमके मात्र विकत घेताना आपण फटाक्या सेलरला आवर्जून सुधारित आणि हरित फटाक्याची मागणी करावी. नंबर एक. नंबर दोन, फटाक्यांची लढ याच्यावर बंदी आहे. 1000 ची लढ असते, 500 ची लढ असते, ज्याला सिरीज फटाके म्हणतात, फुटलेले फटाके, या फटाक्यांची वर बंदी आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना आव्हान आहे की त्यांनी हे लढ सिरीज फटाके कृपया विकत घेऊ करू नये आणि वापर करू नये. त्यानंतर हे फटाके नागरिकांनी जे लायसन्स दिलेले आहेत ज्यांना टेम्पररी अशा दुकानदाराकडूनच विकत घ्यावे. जे ई कॉमर्स वेबसाईट आहे अमेझॉन फ्लिपकार्ट किंवा असे जे पुढे असतील त्यावर हे फटाके विकत घेता येत नाही. तर नागरिकांनी या ई कॉमर्स वेबसाईटवरनं कृपया फटाके ऑर्डर करू नये. अत्यंत महत्वाचं या फटाक्यामध्ये बेरियम सॉल्ट या नावाचा केमिकल आहे त्या फटाक्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तर परत नागरिकांना विनंती की जेव्हा फटाके विकत घेत्या एकदा बघून घ्या डब्यावर फटाके विक्रेत्याला विचारा. बेरियम सॉल्ट असा नाव आहे या केमिकलचा. बेरियम सॉल्ट असलेल्या फटाक्यांवर संपूर्णतः बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यानंतर त्रिपुरा में रियासती हुकूमत की पुष्तपनाही में हिंदू दहशतगर्द तंजीमें मुसलमानों की कत्लोगारतगिरी लूटमार और मस्जिदों पर हमले कर रही है. इन वाकयात की मजम्मत करते हुए मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने त्रिपुरा में सदर राज नाफिस करने की अपील की. मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के एक वफ्द ने आज डिविजनल कमिश्नर की मारिफत सदर जमहूरी हिंद को एक मेमोरेंडम रवाना किया जिसमें त्रिपुरा के मुस्लिम कश फसादात और मस्जिदों पर हमले पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया. वफ्द ने कहा कि बांग्लादेश के वाकयात की आड़ में हिंदू दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़िम और मनसूबा बंद तरीके से त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमले कर रही है. उन्हें त्रिपुरा हुकूमत की पुष्तपनाही हासिल है. त्रिपुरा हुकूमत मुसलमानों की हिफाजत में नाकाम हो चुकी है इसलिए इसे फौरी बर्खास्त करके यहां सदर राज नाफिस किया जाए. वफ्द में जियाउद्दीन सिद्दीकी, कामरान अली खान, मेराज सिद्दीकी और मुंतजीबुद्दीन शेख वगैरह शामिल हैं. आज डिविजनल कमिश्नर के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो मेमोरेंडम सबमिट किया है उसमें त्रिपुरा में जो कुछ एक हफ्ते से चल रहा है राइट है बल्कि ये कि गवर्नमेंट सपोर्ट राइट है इसको हम कंडम करते हैं और प्लीज़ जो थ्योरी चलाई जा रही है रिएक्शन की इसको ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं. अगर ये कहा जा रहा है कि त्रिपुरा में बांग्लादेश का रिएक्शन है तो हम पूछना चाहते हैं कि बांग्लादेश में किसका रिएक्शन था. क्या इलेक्शन के अंदर बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी ने जो ज़बान यूज़ की है जो रवैया उसका रहा है क्या उसका रिएक्शन बंगाल में हुआ है या आसाम के दरंग में जो कुछ हुआ था पुलिस हमला जो कुछ हुआ और जो माइनॉरिटीज़ को निकाला गया ज़मीनों से खदेड़ कर और जिसमें दो मुस्लिमों को जो पुलिस ने गोली से मारा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हुआ था तो आप त्रिपुरा में उसका रिएक्शन कर रहे हैं. अगर त्रिपुरा का रिएक्शन फिर कहीं होगा तो आप क्या करेंगे उसका. तो प्लीज़ ये रिएक्शन की थ्योरी को ख़त्म करें और वहाँ पर जो कुछ हुआ है उसको रिहैबिलिट करें. जो लोग वहाँ से माइग्रेट हो गए उनको घरों में आने के लिए सहूलत प्रोवाइड करें और जो वहाँ की मस्जिदें जो तोड़ी गई है या जलाई गई है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करें. ये गवर्नमेंट करती नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट कुछ चुप है, सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है. ये दोनों भी गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है और ये चुप क्यों है. छोटे छोटे मामलों पर स्टेटमेंट देती है और त्रिपुरा का एक हफ्ते से फसाद चल रहा है उसके ऊपर कुछ कहती नहीं है. तो इतनी इंतहाई शर्म की बात है. सारा इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया चीख रहा है कि क्या हो रहा है त्रिपुरा के अंदर लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है चुप होकर सो रही है. तो इनको जगाने का काम भी हम इस मेमोरेंडम के जरिए से करना चाहते हैं. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीमें करार दिए जाए
और त्रिपुरा में सदर राज नाफिज किया जाए, ये मुतालिबा आज लोक विकास परिषद की जानिब से किया गया। लोक विकास परिषद के एक वफ्द ने आज डिविजनल कमिश्नर की मारिफत सदर जमहूरी हिंद को मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी दहशतगर्द तंजीमें त्रिपुरा में मुसलमानों का कत्लेआम और मस्जिदों पर मुनज़्ज़िम हमले कर रही है। त्रिपुरा हुकूमत भी उनका साथ दे रही है, इसलिए त्रिपुरा हुकूमत को बर्खास्त करके सदर राज नाफिज किया जाए और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीमें करार देकर इन पर पाबंदी लगाई जाए। वफ्द में परिषद के सदर अब्दुल वाहिद हाफिज मुश्ताक, सचिन गाड़े, जावेद चाउश, अब्दुल अजीज, अलीम अहमद, शेख मोहसिन, शेख आसिफ, शरद ससाने, नदीम खान, सागर गाड़े और मोहम्मद अशरफ वगैरह मौजूद थे। हमारे देश का 90% हिंदू सेक्युलर है, हिंदुओं को नहीं भूलूंगा, लेकिन हिंदुओं के नाम पे जो कलंक है, ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, ये बीजेपी सरकार में बैठे हुए लोग, ये हिंदुओं पे कलंक है। इन्होंने मस्जिदों पर हमले किए है, इन्होंने कुरान पाक की बेहरमती की है, इन्होंने नबी पाक की बेहरमती की है, इसलिए अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। लोक विकास परिषद का ये डिमांड नहीं है कि उन पे गुने दाखिल करो, जेल में डालो, गुने दाखिल होंगे और अभी तक तो उनकी बेल भी हो गई होंगी। लोक विकास परिषद की ये डिमांड है कि विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित करे। आज हम ये निवेदन इसलिए दे रहे हैं कि हमने 11/11/2021 तक का समय दिया है, 11/11/21 तक अगर से हमारे पास कोई क्लियरेंस नहीं आता गृह मंत्री की तरफ से, तो औरंगाबाद में हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनको आतंकवादी संगठन घोषित करो। इसलिए 11/11/2021 को औरंगाबाद में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। तकनीकी गलतियों की वजह से ग्रांट से महरूम स्कूलों के असातिज़ा ने आज से मराठवाड़ा हल्के असातिज़ा के मेंबर विक्रम काड़े की रिहाइशगाह के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल शिक्षक समन्वय संघ की जानिब से शुरू की गई है। संघ का कहना है कि रियासत के कुछ स्कूलों में मामूली तकनीकी वजूहात की बिना पर ग्रांट मंजूर नहीं की गई और कुछ स्कूलों में नई जमातों की मंजूरी रोक दी गई, जिसकी वजह से इन स्कूलों में असातिज़ा बरसों से तनख्वाहों और दीगर सहूलियात से महरूम हैं। इस मसले को हुकूमत व महकमे तालीम ने नज़रअंदाज कर दिया। इस मसले को हल करने के लिए मंत्रालय में मीटिंग भी हुई थी, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ, इसलिए संघ ने फैसला किया कि मीटिंग में जो अवामी नुमाइंदे और वुजरा मौजूद थे, आज से उनके मकानों के सामने बेमुद्दत हड़ताल शुरू की जाएगी। आज औरंगाबाद में एमएलसी विक्रम काड़े की रिहाइशगाह के सामने ये भूख हड़ताल शुरू की गई है। जारी माली साल का ग्रांट दिवाली से पहले दिए जाने और दीगर मुतालिबात को लेकर औरंगाबाद जिला ग्रंथालय संघ ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी। ज़िला भर में अवामी कुतुबखाने चलाने वाले जिम्मेदारान पर मुश्तमिल तंजीम का कहना है कि जारी माली साल का ग्रांट उन्हें सितंबर तक मिलता है, लेकिन ये ग्रांट अभी तक जारी नहीं किया गया। ये ग्रांट दिवाली से पहले जारी किया जाए, इसी तरह ग्रांट की रकम में 3 गुना इजाफा किया जाए और कुतुबखानों का दर्जा बढ़ाया जाए। इस भूख हड़ताल में सुभाष साड़ुंके, गुलाब राव मगर, अरविंद पाटिल, साईनाथ जाधव और भास्कर लहाने वगैरह शामिल हैं। महाराष्ट्र मध्ये शासन मान्य सार्वजनिक वाचनालय 1,012,149 आहेत, त्यांचे ड वर्गाचे वाचनालय, त्यापैकी 5,000-5,500 वाचनालय असून त्यांना वार्षिक 30,000 रुपये अनुदान मिळते आणि ते 2 टप्प्यात मिळते, 1 ऑगस्टमध्ये आणि 1 फेब्रुवारीमध्ये। परंतु तेही अनुदान महाराष्ट्र शासनाने अद्याप दिले नाही। आमचं जे अनुदान आहे खर्चावर आधारित आहे। मागील वर्षी आम्ही जे खर्च केलेला आहे त्याची तपासणी झालेली आहे, वार्षिक अहवाल दिलेला आहे, सनदी लेखापालाकडून लेखापरीक्षण अहवाल दिलेला आहे आणि जे ऑगस्टमध्ये आम्हाला खर्चावरचं आधारित अनुदान मिळाल्यामुळे ते अद्यापही दिलं नाही, त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी उपोषणा बसलेलो आहोत। महाराष्ट्रामधल्या 12,149 वाचनालयामध्ये 21,613 कर्मचारी आहेत, त्यांचे पगार अद्याप झालेले नाहीत, तुटपुन जे पगार आणि तेही अद्याप शासनाने दिले नसल्यामुळे आम्ही वारंवार निवेदनं प्रत्येक वेळेस मंत्र्यांना भेटलो, परंतु मंत्री महोदयांनी आश्वासनापलीकडे अद्याप काही दिलेलं नाही आणि म्हणून आम्ही उपोषणा बसलो आहे। जोपर्यंत आमचं ऑगस्ट महिन्यात मिळणारं अनुदान दिवाळीपूर्वी मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही। रियासत में बायोडीजल की आड़ में नकली केमिकल फरोख्त किया जा रहा है, इस गैर कानूनी कारोबार पर फौरी रोक लगाई जाए, ये मुतालिबा बायोडीजल एसोसिएशन के सदर प्रवीण काड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया।
तर सर आता अध्यक्ष असल्यामुळे तेच जास्त राजी करा. बऱ्याच ठिकाणी मी तुम्हाला आता जसं सांगितलं की बाहेरच्या राज्यातून येऊन लोक प्रमोट करतात इथल्या लोकांना की तुम्ही हे चालू करा, तर कोणीही व्यक्ती हॉटेलवाला किंवा नॅशनल रोड टच जो व्यक्ती आहे तो हे करायला भाग पडतो. ॲक्च्युली याच्यामागे बाहेरचे लोक खूप जास्त आहेत आणि ह्या हे जे मटेरियल येतं याच्यामध्ये जर गाडीमध्ये जर यूज केला तुम्ही तर एकतर फिल्टर जॅमिंग, इंजेक्टर जाम होतात, इंजिन गरम होते आणि सर म्हटले तसं पोल्युशन खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. आमच्या माहितीनुसार औरंगाबाद शहराच्या नजीक आजूबाजूला कमीत कमी 15 ते 20 ठिकाणी असा हा गोरखधंदा चालू होता, त्याची प्रशासनाला आम्ही माहितीही कळवलेली होती आणि आताही चालू आहे. पोलिसला कळवली हो काय पोलिसचा जिल्हा कलेक्टरने 2012-7-2021 मध्ये त्याच्यावरती एक पत्रही काढलेलं होतं. ते पण आहे माझ्याकडे तुम्हाला पाहिजे असेल. पोलिसांच्या आशीर्वादाने हे सगळं चालतंय जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि पोलीस नाही असं काही सांगता येणार नाही, कारण मला नाही वाटत की जिल्हा पुरवठा अधिकारी किंवा पोलीस याच्यात इन्व्हॉल्वमेंट असू शकतील. परंतु काही ठिकाणी लोकल पॉलिटिक्स किंवा यांच्या दबावाखाली येऊनही हे चालू शकतं असं माझा अंदाज आहे. अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज. दीपावली आणि मराठी नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. युवकांचे हृदय सम्राट विनोद पाटील, अध्यक्ष RR पाटील फाउंडेशन, शुभेच्छुक विनोद पाटील मित्रमंडळ औरंगाबाद. दीपावली आणि मराठी नूतन वर्षाच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा. राजू शिंदे, माजी उपमहापौर, माजी सभापती तथा माजी नगरसेवक, युवकांचे लोकप्रिय नेते, शुभेच्छुक रवी कावडे मित्रमंडळ संभाजीनगर. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा औरंगाबाद. एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें. बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264. हमारी विशेषताएं स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त. सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना. शुभेच्छुक गौराताई बाबुलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर. मी गौराबाई बाबुलाल जाटवे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडीचे पदाधिकारी, दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा देते आणि करोना जाओ अशी मी देवी चरण प्रार्थना करते. जय हिंद,
जय महाराष्ट्र। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट 5 विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्र प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4th पास ते 12th नापास यांना 6 महिन्यात 12th पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद, मोबाईल क्रमांक 94 05 10 91 03, 88 30 83 89 03। गुंठेवारी स्कीम के मामले में हुकूमत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नीयत साफ करने के लिए वाइट पेपर जारी करे, ये मुतालबा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी ने किया। उन्होंने कहा स्कीम में कई खामियां हैं जिसे दूर करना बेहद ज़रूरी है। कांग्रेस की तरफ से हमने ये ऐलान भी किया है कि गुंठेवारी, क्योंकि ये मूल हमारी संकल्पना थी, इसके बारे में जितनी जानकारी हमें है उस हिसाब से इसके रेट्स रिवाइज किए जाने चाहिए। हमने वो मांग हमारे महसूल मंत्री और हमारे CLP लीडर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष संपर्क मंत्री सबके पास भी की है, CM साहब के पास की है, अजीत दादा पवार जो PCM है उनके पास भी की है, और ये हम अपने उसमें भी हमने रखा है कि अगर कांग्रेस की सत्ता महानगर पालिका जो आने वाले चुनाव है उसमें आती है तो कांग्रेस का ये वादा रहेगा कि वो ये रेट्स रिवाइज करेंगे और इसके अंदर जनता को राहत दी। दूसरी चीज़, इसमें जनता को इंस्टॉलमेंट्स मिलने चाहिए। इतने साल से लोग रह रहे हैं, एक ही दिन में आप उनके ऊपर इस किस्म से ऐसा डंडा नहीं चला सकते। रेट्स रिवाइज की करने के साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स भी दिए जाएं और जनता को कम से कम 4 महीने की सहूलत मिलनी चाहिए ताकि ये सारा जो जटिल प्रोसेस है, इसमें अभी तक तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ही नहीं समझ पाए हमारे जैसे, तो वो जनता को समझ आ जाए आराम से। हमने महाराष्ट्र सरकार से, मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि महानगर पालिका में पिछले 2 साल से जो कारोबार चल रहा है उसके बारे में यहाँ के रहवासियों के दिलों में बहुत ही अस्वस्थता है, उनके दिल में समाधान नहीं है उसके बारे में, एक अस्वस्थ नहीं है लोग। तो हम ये मांग किए हैं कांग्रेस की तरफ से कि श्वेत पत्रिका जारी हो महानगर पालिका के बारे में, कि लोगों को भरोसा बैठे प्रशासन पर कि प्रशासन जो काम कर रहा है ये सही तरीके से और पारदर्शक तरीके से कर रहा है। अमरप्रीत चौक पर भगवा झंडा लहराकर शिवसेना ने 50,000 झंडे लहराने का काम शुरू किया। इस मौके पर साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए मरकजी हुकूमत की बदउनवानी को जिम्मेदार ठहराया। दिवाली के मौके पर चंद्रकांत खैरे और जिला सदर अंबादास दानवे के हाथों अमरप्रीत चौक पर भगवा झंडा लहराया गया। शिवसेना ने दिवाली के मौके पर परचम दिवाली मुहिम शुरू की है।
जिसके तहत 50,000 परचम लहराए जाएंगे। शिवसेना परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। आज इस मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर नंदकुमार घोड़ीले, विकास जैन, संतोष जीजूरकर, अनिल पोलकर, आनंद तांदुड़वाड़ीकर, विनायक पांडे, विजय वाकचूरे, विश्वनाथ स्वामी, बाला साहेब थोरात, शिवसेना महिला अघाड़ी की सुनीता अव्वलवार, सुनीता देव, प्रतिभा जगताप, कला ओझा, अनीता मंत्री और बड़ी तादाद में शिवसैनिक मौजूद थे। लोग बोलते सकाळी मी पाहता पाहता टी व्ही मध्ये एकदम असे बातमी आली की पेट्रोल डिझेल 118 रुपये हे जे आहे ना हे फिरतात ना सगळं त्या ठिकाणी सगळं स्वीकार स्वीकार त्याला विचारा ना क्या काय झालं 118 रुपये त्या ठिकाणी जर पेट्रोल डिझेल होत असेल का तुमची पूजा करायची का आणि कुठे गेले पैसे। मी या पेट्रोलियम कमिटीवर होतो त्यावेळेस असा प्रश्न उपस्थित केला होता की क्रूड ऑइल जर समजा स्वस्त होत असेल तर तुम्ही बाकीचे पैसे जातात कुठे त्यावेळेस मंत्र्याने सांगितलं नाही मी बताऊंगा कसं बताऊंगा करोडो अब्ज रुपयाचं त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार करून त्या ठिकाणी हे सगळं झालेलं आहे। आजही मी तुम्हाला सांगतो की 2 पैसे प्रत्येक लिटरच्या पाठीमागे या लोकांना जातात 2 पैसे लावून द्या किती होतात ते हा जनतेला बुडदन नाही का जनतेला आता त्या ठिकाणी जे काही ह्या लोकांनी जे काही काय जे केलं काळे करतो तो ते दाखवण्याची उघड करण्याची आज आपली या ठिकाणी संधी आहे। मकई गेट ता टाउन हॉल रास्ते की कुशादगी में मुतासिर शहरियान 8 साल गुजरने के बाद भी मुआवजे या मुतबादिल प्लॉट से महरूम है। मुतासिरीन ने आज म्यूनिसिपल इंतजामिया से इंसाफ का मुतालिबा किया। 2013 में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने टाउन हॉल तक मकई गेट रास्ता कुशादा किया था। इस वक्त यहां जिन लोगों के मकानात हटाए गए उन्हें हरसुल में मुतबादिल जगह दी गई। इसी दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर भापकर का तबादला हो गया और 12 से जायद मुतासरीन का मामला खटाई में पड़ गया। तब से ये लोग कॉरपोरेशन के चक्कर काट रहे हैं। आज भी ये लोग कॉरपोरेशन पहुंचे और म्यूनिसिपल इंतजामिया से उन्हें मुआवजा या मुतबादिल जमीन देने का मुतालिबा किया। ये जो मास्टर प्लान हुआ इसके अंदर भापकर साहब के ज़माने में हुआ और ये रोड 80 फीट का चौड़ा हुआ इसमें हमारी बहुत से बड़ी बड़ी जायदाद थी वो सब मास्टर प्लान में चले गई। अब उसके बाद उनको मुआवजा दिया गया उन लोगों को दिया गया कुछ देने के उन लोगों को और उनको जो मुआवजा दिया गया वो अलाटमेंट लेटर के जरिए हरसूल में प्लाट दिए गए। वो प्लाट जब दिए गए तो उस पर भापकर साहब की साइन थी। अब उन लोगों का आखिरी दिन था उनका ट्रांसफ़र का उस दिन वो अलाटमेंट लेटर दिए गए और दूसरे दिन वो चले गए। अब जो लोग बाकी रह गए थे जिसका अलाटमेंट लेटर में नाम नहीं आया उन्होंने बोले कि भाई हमारा नाम नहीं आया तो बोले अब वो साहब तो चले गए बोले अब तुम्हारा क्या है बोले। उसके वजह से जो हम 2014 से आज तक लड़ रहे हैं लेकिन आज तक हमारे को न्याय नहीं मिला और उसका कुछ इंसाफ नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि आप ये जो उन्होंने जो मिस्टर साहब है उन्होंने हमको अपनी इंसाफ देना और हमारी प्लाट हमको इतने लोगों हमारे 12-1 लोग हैं जुमला ये सब एक जैसी है पूरे सबका वही मैटर है। तोड़े आम्हाला श्वासन दिल का तुम्हाला घराच्या बदली मोबदला देऊ पण आम्हाला सिकंदर साहेबांनी काही दिलेला नाही त्याच्या बादमध्ये मीटिंग ठेवली 2016 पण मीटिंग झाली आम्हाला काय म्हणे तुमचे घर तोडे तर तुम्ही पंचनामा दाखवा घर तोडे पण पंचनामा केलाच नाही पंचनामा कुठून दाखवा आम्ही काय कळस महापालिकाचे कामगार पंचनामा करायला त्याच्या बादमध्ये 17-18 पण नोटीस दिली हां मीटिंग ठेवली उठे मॅडमच्या दालनामध्ये मीटिंग झाली उठे मॅडमनं सांगितलं का देण्यात यावं पण 2012 टॅक्स पावते आहेत हां ते म्हणते का तुम्ही तोडेच्या बादमध्ये केल्या असं आम्हाला वागवाग येईन बोलत गेले पण आम्हाला आतापर्यंत कोणताही मोबदला दिलेलं नाही फक्त म्हणते मीटिंगला या आणि मीटिंगमध्ये फक्त बोलावते आणि तुमचं अजून काही झालंच नाही आणखी हां आम्हाला आता 7-8 वर्ष होत आहेत हां नुसतं येडे घालू लागलं तोडून तर घेतलं साहेब लोक आले आश्वासन दिलं सिकंदर आली काथर साहेब पानझडे साहेब हां झंझणे साहेब आम्हाला बंदुकी घेऊन आले अक्षरशः पारडायसाठी हां का तुम्ही जर नाही जर हे केलं तर तुम्हाला असं हे कर पण ते ना आम्हाला कधी पारड्याच्या बादमध्ये आम्हाला ओढवण आणून सोडलं ऐन थंडीच्या दिवसात जानेवारी महिन्यामध्ये आमचे घर तोडे येईन हां तोडे काही काल मोबदला द्याला काय म्हणून द्याला ते आम्हाला माहिती नाही पण तोड पाहून मोबदले दिले येईन।
टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर तानाजी जाधव के यौम पैदाइश के मौके पर आज त्रिवेदी प्रतिष्ठान की जानिब से अतिया खून कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। ये अतिया खून कैंप मोतीवाला स्क्वायर आकाशवाणी में मुनाकिद किया गया। कैंप का इफ्तिताह आर पाटिल फाउंडेशन के सदर विनोद पाटिल और अतीक मोतीवाला के हाथों अमल में आया। कैंप में खून का अतिया देने वाले नौजवानों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टी शर्ट और ब्लूटूथ स्पीकर का तोहफा दिया गया। टाइगर ग्रुप के मेंबर मोहित त्रिवेदी ने अतिया खून कैंप की तफसील बताई। ये ब्लड डोनेशन कैंप मौजूदा है, विशेष म्हणजे या ब्लड कैंप मध्ये जे रक्तदाता आहे जे ब्लड डोनेट करणार आहे त्यांना आज रक्त पेढीच्या वतीने एक वर्षाचं मेडिकल इन्शुरन्स आम्ही मोफतमध्ये उपलब्ध करत आहात। तसेच मोफत टी शर्ट आहे, मोफत ब्लूटूथ स्पीकर आहे। या तिघीपैकी कोणती पण एक भेट वस्तू या ब्लड कॅम्पचे ऑर्गनायझर आश्रम ग्रुप फाउंडेशन याच्या वतीने देण्यात येत आहे। खुल्दाबाद में आज रिवायती धूमधाम और जोशो अकीदत के साथ हज़रत ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन शिराजी का जुलूस संदल निकाला गया। आज रात ही अहम तकारीब की अदायगी के साथ उर्स तकरीब का इख्तिताम भी होगा। कोरोना की पाबंदियों की वजह से इस बार खुल्दाबाद में उर्स तकारीब फीकी रही, लेकिन अब पाबंदियों के हटने के साथ ही इन तकरीबों में रौनक लौट आई है। आज बाद नमाज असर हज़रत ख्वाजा बुरहान औलिया दरगाह से हज़रत ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन शिराजी का जुलूस संदल निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी अकीदतमंदों के अलावा औरंगाबाद व दीगर शहरों से अकीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स तकारीब में रात 10 बजे फातिहा ख्वानी होगी। मीलाद व महफिल समा के बाद रात 2 बजे खत्म ख्वाजगान चिश्तिया पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही उर्स तकरीब का इख्तिताम होगा। खुल्दाबाद से ADN के लिए हुसैन पटेल की रिपोर्ट। ADN उर्दू खबरनामे को ख़त्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम सुर्खियों पर। लेबर कॉलोनी क्वार्टर्स का तनाज़ा हुआ संगीन, इंतजामिया की नोटिस पर भड़क उठे साकिनीन। नोटिस बोर्ड की तोड़फोड़, आर पार की लड़ाई का किया अज़्म। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा, साकिनीन का दावा बेबुनियाद, वक्त पर होगी कार्रवाई। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी में करें एहतियात, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने की शहरियान से अपील। त्रिपुरा हुकूमत को बर्खास्त किया जाए, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल और लोक विकास परिषद ने किया मुतालिबा। और गुंटेवारी के लिए हुकूमत जारी करे वाइट पेपर, कांग्रेस ने किया मुतालिबा। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।